दो रवायतें हो गई भाई, कहीं कहीं तो ले चलूंगा ना मैं। अच्छा देखो, अभी वो बहकाने के लिए खड़ा हो जाएगा, अभी खड़ा होगा। लेकिन लेकिन रुक के सुनो तीसरी रवायत। पहली अली कसीम जन्नत नार है, दूसरी रवायत फातिमा अहले जन्नत की मलिका और सरदार है। क्या रिवायत भूल गए? मशहूर और मारूफ रिवायत है, अल हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जब पैगंबर अकरम का विसाल हुआ है, विसाल ये लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया, इंतकाल हुआ है, मुंतकिल होना, एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाना, विसाल के मानिए चिपक जाना, वसर। तो हमारे यहाँ विसाल नहीं है, मौत विसाल का नाम नहीं है। और ये जो जाहिरी मौत है ये इंतकाल है, ये मौत भी नहीं है, ये मौत भी नहीं है। इसे क्या, अगर नबी मर जाए तो हम मुसलमान कैसे? यानी मेरा जुमला बन गया, अगर नबी मर गया तो हम कैसे जिंदा हैं? हमारी जिंदगी दलील है आते मोहम्मद की, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। कल था, आज है, कल रहेगा। न ला इलाहा इल्लल्लाह में तब्दीली आई, न मोहम्मद रसूलुल्लाह में तब्दीली आई। मैसेज पहुंच गया? अगर पहुंच गया ना तो अब जुमला सुनना भाई। अजीब और गरीब मरहले फिक्र पर तुम्हें ले आया। मेरे नबी ने कहा कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, है ना? मैं क्या पता, बहुत करीब हो गया हूं तुमसे, मैं बहुत करीब हो गया हूं, क्या पता। इसलिए जब नबी दुनिया से जा रहे हैं तो एक की उम्र 7 साल, एक की 8 साल, जवान होकर क्या करेंगे क्या पता। ये आपने जन्नत की सरदारी कैसे दे दी? तो अगर नबी को इल्मे गैब न होता, गुफ्तगु अपने आखिरी मरहलों से करीब आ गई ना, तो अब रुक जाओ भाई, इसलिए के बातों को तो आगे जाना ही है, और अभी कई घंटे हैं मुसलसल जिनमें गुफ्तगु होगी, तो अब यहां रोक रहा हूं मैं। जन्नत, देखो नबी का इल्म गैब मैं तुम्हें बता चुका, ठीक है ना? जन्नत, मेरे नबी ने रास्ता बतला दिया। आज तक जितने भी मुसलमान दुनिया में आमाले सालिहा करते हैं, उनमें 100% मुसलमानों की नीयत ये होती है कि हमें जन्नत मिल जाए, जहन्नम से हम बच जाएं। 100%, बहुत सीधी बात, मैं कुछ बातें कह चुका हूं इस मेंबर से, उन्हें दोहराऊंगा नहीं। 100% मुसलमान, उनकी नीयत इबादत करने में यही है कि हमें जन्नत मिल जाए, ठीक है ना? अभी देखो हज का मौसम गुजरा है, कितने गए और उन्होंने अपनी जिंदगियों को परवाह नहीं की, बहुत से जिंदा गए वापस जिंदा नहीं आए। हज तो हो जाए, हज हो जाए, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतने आफात, इतने बलियात, मगर हज हो जाए तो मुसलमान हज कर रहा है जन्नत की तमन्ना में। अच्छा, रोजे रख रहा है जन्नत की तमन्ना में, नमाजें पढ़ता है जन्नत की तमन्ना में। अब मैं मुसलमान से पूछ रहा हूं, है भी? कहने मेरा सवाल है कि भाई जन्नत की तमन्ना में काम किए जा रहे हो, है भी? कहने का है, मुसलमान है ना? मैंने पूछा है भी, कहने का है। हमने कहा देखी, कभी देखी तो नहीं, बगैर देखे माना। ये है ईमान बिलगैब, ये है ईमान बिलगैब। अच्छा भाई, ये गैब पे ईमान कैसे आ गया? पहला सवाल, कभी है भी? कहा है, कहा देखी, कहा देखी तो नहीं मगर है, देखी तो नहीं मगर है। भाई इसी पर तो जी चाहता है कि मैं मुसलमान को मुबारकबाद दूं, देखी नहीं मगर है, जन्नत देखी नहीं मगर है, ये ईमान बिलगैब। अच्छा भाई, तो ये ईमान बिलगैब आ कहां से गया कि जन्नत है, देखी तो नहीं मगर है, ये ईमान बिलगैब कहां से आ गया? कहने लगा कि वो नबी जो हिदायत की मीजान है, उसने कहा कि जन्नत है तो फिर है। भाई हमने कहा कि नबी कहते कि जन्नत है, सब मान ले, और वही नबी कहे कि मेरे बाद 12 हैं, कोई ना माने।